उत्तर प्रदेश बरेली से जिला संवाददाता शैलेंद्र चौधरी की रिपोर्ट। सीमा सुरक्षा बल लखनऊ में तैनात पति का घिनौना चेहरा आया सामने। आज वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक कार्यालय बरेली पहुंची पत्नी ने लगाए संगीन आरोप। बताया करवा चुका है जबरन दो बार पत्नी पूजा का गर्भपात। थाना शीशगढ़ ग्राम अभूपुरा उर्फ जोखनपुर निवासी पूजा की 4 साल पहले थाना कैंट बरेली क्षेत्र स्थित भरपौल निवासी देवेंद्र गंगवार पुत्र पोषा की लाल के साथ हुआ था विवाह। विवाह के बाद पता चला कि देवेंद्र ने अपनी पहली पत्नी को भी दहेज के लिए प्रताड़ित कर विषाक्त पदार्थ खाकर आत्महत्या करने को कर दिया था मजबूर। यह विवाहिता अपने पति के साथ लखनऊ में रह रही थी, जिसे गत माह 12 नवंबर को कार की डिमांड पूरी न होने पर घर से मार्च कर निकाल दिया था, जहां पुलिस में जाने पर उसकी कोई भी सुनवाई नहीं हुई। विवाहिता तभी से अपने माता पिता के घर पर रह रही है। उसका पति देवेंद्र महानिरीक्षक कार्यालय सशस्त्र बल लखनऊ में ड्राइवर के पद पर कार्यरत है। आज SSP बरेली को प्रार्थना पत्र देकर पीड़ित विवाहिता ने लखनऊ में तैनात पति के खिलाफ कानूनी कार्यवाही करने को गुहार लगाई है, जो पति द्वारा दी गई प्रताड़ना के कारण बेहद परेशानी की अवस्था में नजर आ रही थी। बताइए क्या नाम है आपका? पूजा रंगवार। पूजा जी, क्या मामला? आप जो यहाँ SSP ऑफिस आई हैं? मेरे हस्बैंड, मेरी 4 साल पहले शादी हुई थी 11/16 में, 11 नवंबर। मेरा पति जहाज को लेकर टॉर्चर कर रहा है, स्कॉर्पियो की डिमांड कर रहा है। मैं कहाँ से लाऊंगी स्कॉर्पियो? क्या नाम है आपके पति का? देवेंद्र कुमार। क्या काम करते हैं? वो SSP सीमा सुरक्षा बल में है। कहाँ पे तैनात हैं इस समय? वो लखनऊ पोस्टिंग है उनकी। अच्छा, आप लोगों की शादी कहाँ से हुई थी? भड़ताल। आप बरेली की रहने वाली हैं? नहीं, अभूपुरा और शीशगढ़ थाना लगता है। और वो कहाँ के रहने वाले हैं? बरेली भड़ताल। अब इस समय क्या प्रॉब्लम है? नहीं, कार की मांग कर रहे हैं, मुझे यहाँ छोड़ के फिर लेने ही नहीं आए। अच्छा जी। मुझे इतना डर चुकी है, सुसाइड करने पे मजबूर कर दिया। मेरी वीडियो भी बना रखी है सुसाइड की। मैं कहाँ से लाऊंगी कार का पैसा? मैंने FIR भी की थी वहाँ पर। तो मुझे समझा दिया, पति को समझा दिया, पति नहीं मारेगा। उसके बाद भी मार के घर से निकाल दिया। अब मैं उसके घर गई यहाँ पर, तो यहाँ भी धक्के मारकर मेरा सामान फेंक गए। यहाँ आला अधिकारियों से मिली, क्या आश्वासन मिला आपको? कुछ नहीं मिला। कोई पुलिस वालों का नंबर दे देते हैं, बड़े बड़े अधिकारियों का, कोई FIR नहीं लिख रहा है। कोर्ट से लड़ो यही कह देते हैं। कोर्ट से लड़ने के लिए भी पैसे चाहिए ना, मैं हाउसवाइफ हूँ, कहाँ से लाऊंगी पैसे? आप क्या चाहती हैं? मुझे डर है, वो उसकी धमकी देता है कि ब्लैकमेल करता है, झूठे मुकदमे में फांस दूंगा, डिवोर्स दे दूंगा तुझे। मैं डिवोर्स नहीं। क्या नाम है उनका? देवेंद्र कुमार। अच्छा जी। मैं डिवोर्स नहीं देना चाहती। आए दिन जिसके मन में आता है वो मारता है। जैसा कि आप बता रही हैं, 4 साल पहले आपकी शादी हुई थी, तब आपके माता पिता ने करीब कितना पैसा खर्च किया था शादी में? सर, काफी, अपने हैसियत के अनुसार उससे ज्यादा किया था। अच्छा। इन लोगों ने कहते कुछ नहीं दिया, इन्होंने मंडप में शादी रखी, अगर कुछ नहीं दिया होता तो मंदिर में भौरी कराते। इनका बेटा, पहली वाली वाइफ भी मर गई, उसकी जहर खाकर मेंटली टॉर्चर किया था इसने। अब आप क्या चाहती हैं? मुझे उसी के संग रहना है, मुझे लेकर जाए वो। अच्छा, मारे ना, मुझे मेरा हक दे। आज तक उसने मेरे कागज नहीं लगाए अपनी जॉब में। इस समय लखनऊ में पोस्टेड हैं? हाँ। सीमा सुरक्षा बल में हैं? जी। अच्छा। आप कहाँ रह रही हैं? मुझे मायके में छोड़ के आप लेने नहीं आया? कहाँ? शीशगढ़ है मायका आपका? शीशगढ़। कितना समय हो गया आपको अपने मायके में रहते हुए? मुझे 12 नवंबर को लेकर आया था। अच्छा जी। एक महीना होने जा रहा है। अच्छा।